तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का अच्छे एवं संपूर्ण शिक्षा देने के एकमात्र स्थान अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हम बात कर रहे थे अपने एग्जाम सीरीज मिशन 2023 के बारे में, जहां पर अभी तक मैंने आपको अध्याय एक, अध्याय दो और अध्याय तीन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे, जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनते थे, कॉन्सेप्ट बनते थे, मैंने सारी चीजों को अच्छे से क्लियर करा दी है। आज की इस क्लास में अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ और आज की सेशन का आनंद उठाइए। तो देखिए, हमारा जो मिशन चल रहा था, मिशन का नाम क्या था, छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा मिशन 2023, जहां पर मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं कक्षा दसवीं विषय गणित को। और आज का जो हमारा टॉपिक चलने वाला है वो क्या चीज है, अध्याय चार समांतर श्रेणी भाग एक। ठीक है बच्चों, इसके आपको टोटल तीन पार्ट मिलने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको स्ट्रेटेजी वाले ही क्लास में बता दिया था कि अध्याय चार से हमेशा आपको तीन क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। एक जो क्वेश्चन रहेगा वो एक अंक रहेगा, एक जो क्वेश्चन रहेगा वो दो अंकों के लिए रहेगा, और एक जो क्वेश्चन रहेगा वो छह नंबर का रहेगा। तो बच्चों, इसके आपको टोटल तीन पार्ट मिलने वाले हैं। आज के इस क्लास में मैं आपको क्विक रिविजन भी कराऊंगा और साथ में हम एक नंबर वाले क्वेश्चन और दो नंबर वाले क्वेश्चन पर भी डिस्कशन कर लेंगे। इसके बाद इसके दो पार्ट और आएंगे, दोनों पार्ट में हम बड़े-बड़े क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे, छह-छह नंबर वाले क्वेश्चन पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का उद्देश्य होने वाला, आज का हमारे क्लास का ये मोटो होने वाला। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो मैं प्रश्नों पर आने से पहले कुछ बेसिक चीजें बताना चाहूंगा जो आगे के आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो बिल्कुल आपके पास पेन और कॉपी होनी चाहिए, जो मैं लिखवाने वाला हूं, जो मैं बताने वाला हूं, जो मैं पढ़ाने वाला, उसको नोट डाउन करते हुए चलना है। आ जाओ, देख लो। चलो सबसे पहले यहां पर हम समझ लेते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जो हमारा अध्याय का नाम है, इस समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, पहले हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि सर ये समांतर श्रेणी क्या चीज है। देखो, तो संख्याओं की ऐसी श्रृंखला जिसमें प्रथम पद के अतिरिक्त सभी जो पद होते हैं ना, वो अपने पहले वाले पद में निश्चित संख्या में जोड़कर प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब इसको एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। देखो, आ जाओ, मैंने यहां पर लिखा उदाहरण, देखो बच्चों। ठीक है, यहां पर मैं लिखा एक, तीन, पांच, सात, नौ, और ये चलते जा रहा है अनंत की ओर। यहां पर मैं जो संख्याओं की श्रृंखला लिखा हूं ना, इसी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अब मैंने इसको कैसे जाना कि एक समांतर श्रेणी है, तो पहचानने का तरीका क्या होता है, देखो, प्रथम पद के अतिरिक्त, प्रथम पद यहां पर पहला वाला पद क्या दिख रहा है, एक, इसको छोड़ दे रहे हैं, उसके बाद के संख्या को देखना है, उसके बाद को पद को देखना है। तो इसके बाद में कौन सा पद लिखा हुआ, तीन लिखा हुआ है सर, बिल्कुल तीन लिखा हुआ। तो तीन जो है अपने से पहले वाले पद में, तीन जो है अपने से पहले वाले पद में क्या जोड़कर प्राप्त हुआ है, तो बच्चों इसके पहले वाले पद में क्या है, एक है, तो एक में हमने क्या जोड़ा है कि हमें तीन मिला है। तो आप लोग कहोगे सर दो जोड़ा है, क्या जोड़ा हमने, दो जोड़ा है। तो यहां पर मैंने प्लस का लिखा दो, प्लस का क्या लिखा, दो लिखा। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर है। फिर अगले वाले पद में आते हैं, अगले वाला तीसरे वाला पद क्या है, पांच है। तो पांच जो है, पांच का अगले वाला पद यानी कि पहले वाले पद में क्या है, तीन है। पांच के पहले वाले पद में क्या है, तीन है। अब तीन में हमने क्या जोड़ा है कि हमें पांच मिला है, तो फिर आप लोग बोलोगे सर हमने फिर से दो जोड़ा है। फिर हम आएंगे सात पर, सात के पहले वाले पद को देखेंगे, पांच है, पांच में हमने क्या जोड़ा कि हमें सात मिला है, फिर आप लोग बोलोगे कि सर दो जोड़ा है, यहां पर भी हमने दो जोड़ा है। तो यहां पर देख लीजिए, प्रथम पद के अतिरिक्त जितने भी पद यहां पर आ रहे हैं ना, वो अपने पहले वाले पद में निश्चित संख्या में जुड़कर प्राप्त हो रहे हैं। इस निश्चित संख्या को हम सार्वांतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। मैंने क्या कहा बच्चों कि इस निश्चित संख्या को हम सार्वअंतर कहते हैं। इस नाम को भी आपको याद रखना है, निश्चित संख्या को हम क्या कहते हैं, सार्वअंतर कहते हैं, और इसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको हम निकालते कैसे हैं, यह भी परीक्षा में पूछा गया है। तो इसको निकालने का मेथड क्या होता है, द्वितीय पद ऋण प्रथम पद, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि सार्वांतर हम कैसे निकालते हैं। द्वितीय पद में हम प्रथम पद को माइनस कर देते हैं, हमें सार्वांतर कॉमन डिफरेंस डी का मान मिल जाता है। अब इस समांतर श्रेणी में मुझे अगर सार्वांतर का मान निकालना, तो हम कैसे निकालेंगे, तो डी बराबर द्वितीय पद, तो द्वितीय पद यहां पर आपको दिख रहा है तीन, फिर माइनस है तो माइनस, फिर प्रथम पद, प्रथम पद आपको क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है, मैंने यहां पर लिखा एक। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तीन में एक को हटा देंगे तो हमें मिल जाएगा धन का दो मिल जाएगा। ठीक है, तो डी बराबर क्या हुआ, दो हुआ। तो सार्व अंतर को भी हमने समझ लिया।
अभी तक हमने क्या क्या समझ लिया, समांतर श्रेणी को अच्छे से समझ लिया और सार्वांतर को समझ लिया। बिल्कुल सर, यहां तक की कहानी एकदम अच्छे से क्लियर है। अब देखिए क्या होता है, आपको कोई समांतर श्रेणी दे दी जाती है और यहां पर देखो ये जो सीरीज चल रही, जो क्रम चल रहा है ना, उसके बाद क्या बोलता है कि आपको 99 पद में कौन सा संख्या होगी या फिर 100 पद में कौन सी संख्या होगी, 120 पद में कौन सी संख्या होगी, तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी कर लिया जाता है। तो इसके लिए अब मैं कुछ फॉर्मूला आप लोगों को लिखवाने वाला हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप लोग नोट डाउन करते हुए चलना, ठीक है। पहला नंबर का फॉर्मूला देखो, इधर बता देता हूं इसको, आ जाओ देखो पहला नंबर का फॉर्मूला। समांतर श्रेणी के हम अगर हमें एनवा पद का मान निकालना है, समांतर श्रेणी का हमें एनवा पद का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो समांतर श्रेणी का एनवा पद, समांतर श्रेणी का एनवा पद, ठीक है बच्चों ये फॉर्मूला याद रख लेना क्योंकि हम हर जगह इसका यूज करने वाले हैं। समांतर श्रेणी का एनवा पद ये निकलता है an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन डी, ये हमारा होता है फॉर्मूला समांतर श्रेणी का एनवा पद निकालने का। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में कि समांतर श्रेणी का एनवा पद है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बिल्कुल सर याद हो गया, ठीक है। चलिए ये पहला नंबर का फॉर्मूला हुआ। दूसरा नंबर में एक और फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूं जो कि हमारा है समांतर माध्य। क्या है? समांतर माध्य। चलो अब हम समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, तो समांतर माध्य को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, तो ए इज इक्वल टू, बड़ा ए लिखा है अभी मैंने, ए इज इक्वल टू ये होता है स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी अपॉन में टू। समांतर माध्य निकालने का हमारा ये फॉर्मूला होता है। दूसरा नंबर का फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है बच्चों, यहां तक की कहानी क्लियर है सर। बिल्कुल तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीसरा नंबर क्या देखो, यहां पर देखो एक समांतर श्रेणी आपको दिख रही है। अब आपको क्या होता है कि इसी समांतर श्रेणी को दे दिया जाएगा और पूछ लेगा कि इसमें जितने भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं का योग क्या होगा, इन समांतर श्रेणी में संख्याओं का योग क्या होगा, ऐसा करके क्वेश्चन दे दिया जाएगा। तो समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल, योगफल देखो समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना, यही होता है एस एन इज इक्वल टू, एस एन इज इक्वल टू, ठीक है बच्चों। देखो ये होता है एन बाय टू, फिर ब्रैकेट लगाते हैं बड़ा वाला, फिर लिखते हैं 2a प्लस एन माइनस वन डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालने का। तो मैंने आपको तीन फॉर्मूला बताया, समांतर श्रेणी का एनवा पद ए एन प्लस ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, इसी फॉर्मूले का यूज हम अंतिम पद के लिए भी करते हैं। जब हमको अंतिम पद दिया जाता है ना तो वहां पर हमें पदों की संख्या निकालना रहता है, तब के केस में भी हम इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो दो जगह करने वाले हैं, देख लो बच्चों, एक अंतिम पद के लिए और दूसरा समांतर श्रेणी के एनवा पद निकालने के लिए, ठीक है। यहां तक की कहानी बिल्कुल क्लियर है सर। समांतर माध्य निकालने के लिए आप लोगों को कहा जाएगा तो a बराबर a प्लस b, ये फॉर्मूला भी एकदम छोटा सा याद हो गया। तीसरा नंबर क्या है कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालने के लिए कहा जाएगा, तो हम निकालेंगे s n इज इक्वल टू n बाय 2 फिर ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d, ये होगा हमारा फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को बच्चों एक तरह से और लिखते, देखो अगर उस समांतर श्रेणी में आपको अंतिम पद का मान है और सभी पदों का योगफल पूछ लिया गया, तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद रख लेना है n by 2 a plus l। अगर अंतिम पद का मान दिया गया है तो आप दूसरे वाले फॉर्मूले का यूज करोगे, या फिर नहीं दिया है तो आप पहले वाले फॉर्मूले का यूज करोगे। अगर बच्चों ये याद नहीं आ गया तो आपको कम से कम ये वाला पहला वाला नंबर का फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा। ये फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे तब भी इसी से काम चल जाएगा, लेकिन अंतिम पद का मान दिया गया है तो इस फॉर्मूले से ज्यादा हम सरल तरीके से और कम समय में बना पाएंगे। इसमें भी बना लेंगे लेकिन क्या होगा, इसमें बनाएंगे तो थोड़ा समय ईजी जाएगा और कम समय में बन जाएगा। जब अंतिम पद का मान दिया हो जाएगा तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो समांतर श्रेणी के इन पदों का योगफल निकालने का मैंने आपको दो फॉर्मूले बता दिए, ठीक है। बस इतने फॉर्मूले आपको पढ़ना पड़ेंगे, क्विक रिवीजन मैंने करा दिया, जितने भी फॉर्मूला हमें मिलने वाले हैं आगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए अब बनना चाहेंगे हम अपने क्वेश्चन की ओर, और ये रहा हमारा सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। देखिए देखो बच्चों मैं बार बार बोलूंगा, यहां पर
मैं यहाँ पर ना आपको एक ही प्रकार का क्वेश्चन करा रहा हूँ, पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एक नंबर के लिए ही पूछे, वो दो नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है। तो आज की इस क्लास में मैं आपको चार या पांच क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो एक एक नंबर के लिए मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप का लिया गया है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि एक नंबर में पूछे, वो दो नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो हम दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे। आ जाओ देखो, अब यहां पर क्या बोल दिया गया है, श्रेणी 1, 3, 5, 7 फिर डेड डिस्क का नौवां पद होगा। अभी जो मैंने श्रेणी लिखा था समांतर श्रेणी, उसी समांतर श्रेणी को यहां पर चिपका दिया गया है और पूछ लिया गया कि एनवा पद का मान क्या होगा। और एनवा पद का फॉर्मूला मैंने यहां पर आपको लिखवा दिया है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, चलो आ जाओ, ऑप्शन को हम इग्नोर करेंगे, ऑप्शन को देखना ही नहीं है, हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं। अगर ये दो नंबर में आ जाएगा या फिर खाली स्थान की पूर्ति करने में आ जाएगा तो ऑप्शन आपके पास तो है ही ना, तो हम अभी ऑप्शन को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, आ जाओ आ जाओ बिल्कुल। तो ध्यान से इसको समझना, देखो यहां पर मैं लिखने वाला हूं हाल, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा पता है, जो हमें श्रेणी दिया गया उसको मैं लिख लेता हूं। खैर ये एक नंबर के लिए आता तो हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये दो नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है, इसलिए हम थोड़ा सा स्टेप फॉलो करेंगे। ठीक है, तो दिया है श्रेणी करके मैं एक बार लिख लेता हूं, दिया है श्रेणी, क्या श्रेणी हमें दिया गया है, तो ये दिया है 1, 3, 5 फिर 7 और ये चलते जा रहा है, हमें एनवा पद का मान निकालना है। तो देखो बच्चों, तो यहां मैं लिख रहा हूं यहां हमें क्या क्या मिलने वाला है, यहां प्रथम पद ए बराबर, प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं, तो प्रथम पद ए बराबर हमें यहां पर दिख रहा है एक, क्या दिख रहा है सर, एक दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। हम अभी निकाल लेंगे सार्वांतर का मान, तो सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस डी बराबर, और ये कैसे निकालते हैं, तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, द्वितीय पद में हम क्या करते हैं, पहले वाले पद को घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। आ जाओ कर लेते हैं, बिल्कुल माइनस कर लेंगे। तो द्वितीय पद आपको क्या दिख रहा है, तीन दिख रहा है, तो तीन में आप घटाने वाले हैं पहले वाले पद को, पहला वाला पद मुझे यहां पर दिख रहा है एक, तो हमें डी बराबर मिल चुका दो। डी बराबर क्या मिल चुका बच्चों, दो मिल चुका, बिल्कुल यहां तक कहानी अच्छे से क्लियर है सर। हमें पूछा गया था कि समांतर श्रेणी का नौवा पद क्या होगा, चलो आ जाओ, अतः श्रेणी का नौवा पद लिख लेंगे, नौवा पद। ठीक है, नौवा पद हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए एन इज इक्वल टू, एक बार मैं लिख देना चाहूंगा, ए प्लस एन माइनस वन डी। ए का मान पता है, एन का मान पता है और डी का मान पता है। यहां पर ए की जगह हम रखेंगे पहले वाले पद को एक, फिर एन की जगह पदों की संख्या, तो पदों की संख्या यहां पर पूछ लिया गया नौवा पद पूछा गया, तो हम एन की जगह क्या रखेंगे, नौ रखेंगे। डी का मान भी हमने निकाल लिया, क्या निकाल लिया, दो निकाल लिया, सब मानों को रख देंगे, कैलकुलेट कर देंगे और हमारा उत्तर हमारे सामने आ जाएगा। आ जाओ बिल्कुल इसको सॉल्व कर देते, देखो मैं इधर इसको सॉल्व कर दूंगा, आ जाओ इतनी जगह में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए क्या करेंगे हम, तो ए 9 मैं क्या रख रहा हूं, ए की जगह सॉरी एन की जगह मैंने रख दिया 9। ठीक है, हमें क्योंकि नौवा पद का मान निकालना, ठीक बराबर, फिर ए का मान क्या, चलो बोलो, ये है एक प्लस का प्लस मैंने लिखा एन माइनस वन, एन की जगह रखना ये 9, फिर ऋण एक, डी का मान हमें पता है क्या है, 2 है, ये हो गया 2। ठीक है सर, फिर देखो ये हो जाएगा ए 9 इज इक्वल टू, तो ये हो गया 1 प्लस 9 में जब हम 1 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 8, फिर गुणा का आ जाएगा ये 2, फिर ए 9 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस 8 का गुणा करेंगे 2 से तो 8 दूनी हो जाएगा 16, तो ए 9 इज इक्वल टू हमें मिल चुका 17, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अतः इस श्रेणी का नौवा पद का मान क्या होगा, 17 होगा। नौवा पद का मान क्या होगा बच्चों, 17 होगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो एक नंबर के लिए पूछे या फिर दो नंबर के लिए पूछे, आपको इतना सॉल्व करना पड़ेगा। एक नंबर के लिए पूछेगा तो आपको इतना चीज निकालने की जरूरत नहीं है, आप उसको ओरल निकाल सकते हो। ठीक है, बस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक, अगर दो नंबर के लिए पूछेगा तो पूरा स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आ जाओ चलिए अब हम बढ़ना चाहेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 2। यहां पर फिर से हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है और 10वां पद का मान पूछ लिया गया है, तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, आ जाओ बिल्कुल आ जाओ। अभी जैसे हल के थे पूरा एज इट इज समान, उसी तरह से इसको हल करना है। तो हम क्या करेंगे, दिया है श्रेणी, जो हमें श्रेणी दी गई है उसी को मैं एक बार उतार लूंगा। तो दिया है श्रेणी, क्या श्रेणी दिया गया, चलो बोलो, ये दिया गया 9, 5 फिर है 1, फिर है ऋण 3 और ये चलते जा रहा है अनंत की ओर। हमें 10वां पद का मान पूछ लिया गया, क्या मान पूछ लिया गया, 10वां पद का मान।
चलो आ जाओ। तो यहां यहां प्रथम पद हम निकाल लेते हैं फटाक से। प्रथम पद ए बराबर, प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा? तो इस समांतर श्रेणी में आपको पहला पद क्या दिखेगा? ये 9 दिखेगा। ये हो गया हमारा पहला पद के बाद। बिल्कुल सर, यहां तक की कहानी अच्छे से क्लियर है। फिर हम निकालते हैं सार व अंतर का मान, कॉमन डिफरेंस का मान निकालते हैं। सार व अंतर डी इज इक्वल टू, ये निकलता है द्वितीय पद ऋण प्रथम पद। तो द्वितीय पद आपको दिख रहा है 5 और प्रथम पद क्या दिख रहा है? 9 दिख रहा है। अब देखो यहां पर डी का मान क्या आएगा, 9 में 5 को घटाएंगे मिलेगा 4, 9 के सामने में ऋण का चिन्ह है तो यहां भी ऋण का चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि 5 जो है वो जो है 9 से छोटी संख्या है और 9 के सामने में क्या है, ऋण का चिन्ह है। तो डी का मान क्या आएगा? ऋण 4 आएगा। क्या आएगा बच्चों? 4 बस नहीं बोलना है, गलत हो जाएगा, ऋण 4 आएगा। तो डी का मान आ चुका ऋण 4। हमें पूछा गया था श्रेणी का 10वां पद, आ जाओ निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलो यहां पर हो गई है, प्रथम आ जाओ। अतः श्रेणी का 10वां पद देखो। तो इनवां पद का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है an होता है ना, 10 को हम बाद में रखेंगे। ये होता है an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन डी होता है। एनवा पद निकालने का फॉर्मूला हमारा ये होता है। n की जगह हम रखेंगे 10, क्योंकि हमें 10वें पद का मान निकालना है। a की जगह रखेंगे 9 और d की जगह रखेंगे हम ऋण 4। कैलकुलेट कर देंगे, हमारा उत्तर हमारे सामने आ जाएगा। आ जाओ बिल्कुल सॉल्व कर देंगे इसको। चलो देखो, हाँ तो बताओ आगे क्या करेंगे। यहां पर मैं बोल रहा हूं ए की जगह यही रहेगा, एन की जगह रखना 10 इज इक्वल टू, ये हो गया ए का मान क्या है? तो प्रथम पद क्या है? 9 है, तो यहां पर आ चुका 9। प्लस है तो प्लस, एन की जगह रखना है 10, तो ये हो जाएगा 10 ऋण 1, डी का मान आया हुआ था ऋण 4। चलिए तो ये हो जाएगा ए 10 इज इक्वल टू 9 प्लस ब्रेकेट को पहले सॉल्व करेंगे, 10 में 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9, फिर आ जाएगा ऋण का 4। तो ए 10 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? 9। ये देखो प्लस है, फिर इधर माइनस आ गया, तो प्लस और माइनस का माइनस हो चुका। फिर 9 का गुणा करेंगे यहां पर 4 से, तो हो जाएगा 9 दिन 18, 9 3 27, 9 4 36, 36 आ चुका, ठीक है। तो a10 इज इक्वल टू 36 में आप 9 घटाकर देख सकते हो, तो यहां का 2 हो जाएगा, यहां का 16 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर कितना बचेगा? तो यहां पर बचेगा 7 और ये 2, 27 हमें मिल चुका 27। अतः इस समांतर श्रेणी का 10वां पद का मान क्या होगा? 27 होगा। क्या होगा बच्चों? 10वां पद का मान 27 होगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब एक बार लिख भी देते हैं, अतः श्रेणी का दसवां पद 27 है। 27 है, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका दिया है 27। 27 तो कहीं पर दिया नहीं। अच्छा एक गलती मैंने यहां पर कर दी बच्चे, बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या? कि हम जब यहां पर 36 में 9 घटा रहे हैं तो 27 तो आया है, लेकिन 36 के सामने में ऋण का चिन्ह है तो यहां पर भी ऋण का चिन्ह लग जाएगा ना। विशेष रूप से ध्यान देना है, मेरे से गलती हो सकती है तो आपसे भी हो सकती है, ध्यान पूर्वक नोट डाउन करना है। तो यहां पर भी ये ऋण 27 हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा ब सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, अगर हम पहले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर कौन सा ब सही हुआ था, इसको भी आपको टिक कर लेना है। ब में 17 आया था, यहां पर भी 17 आया हुआ है। तो हमने दो क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है समांतर श्रेणी का एनवा पद निकालने से संबंधित, ठीक है। अच्छे से इसको समझ लेना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दो नंबर के लिए आगे तो पूरा स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा, इसीलिए मैं पहले ऑप्शन को इग्नोर करता हूं। ऑप्शन दिया ही नहीं है ये हम मानकर चलेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सीखने वाले हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, प्रश्न क्रमांक 3, पूछ क्या लिया है? स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 और स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 का समांतर माध्य। समांतर माध्य निकालने का मैंने फॉर्मूला भी आपको बता दिया था, और ये पूछा गया छत्तीसगढ़ 2018 सेट सी। इसी प्रकार का क्वेश्चन सेट ए में और सेट बी में भी पूछा गया था। ये क्वेश्चन जो है वो एक नंबर के लिए और दो नंबर, ज्यादा चांसेस बनते हैं ये क्वेश्चन को दो नंबर के लिए पूछा जाता है। चलिए तो दो नंबर के लिए हम कितना लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि पूरे में पूरा नंबर मिले। आ जाओ हल करते हैं। तो हल देखो, यहां पर हमें स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 और स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 दिया गया है, तो मैं क्या करूंगा, मान लूंगा इसी को, मान लूंगा। तो माना a बराबर, माना a इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 प्लस 1, ये प्लस 1 जो है वो वर्गमूल के बाहर में लिखाया हुआ, ध्यान देना। और b बराबर, हमें
बी बराबर हमने क्या मान लिया है, तो इसको मैंने मान लिया स्क्वायर रूट टू माइनस वन को। हमें निकालना है समांतर माध्य का मान, आ जाओ। अतः समांतर माध्य, अतः समांतर माध्य, और समांतर माध्य को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ा ए, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चलिए बोलिए। अभी मैंने इसका फॉर्मूला लिखवाया होता, ए प्लस बी अपॉन का हो जाएगा ये टू। चलिए सभी का मान हम यहां पर रख देते हैं, ए का मान, तो ए का मान था स्क्वायर रूट टू प्लस वन, फिर है प्लस का प्लस, फिर बी का, बी का मान क्या है स्क्वायर रूट टू माइनस वन, हमने ए और बी का मान रख दिया है। नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में दो दिया है तो ये हो जाएगा दो, प्लस वन और ये माइनस वन निपट गया, तो हमें यहां पर क्या मिला, स्क्वायर रूट टू और ये स्क्वायर रूट टू, ये एक स्क्वायर रूट टू है और ये एक स्क्वायर रूट टू है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा दो स्क्वायर रूट टू, और अपॉन में क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा, दो से दो निपट गया तो हमें यहां पर मिल चुका स्क्वायर रूट टू। ठीक है, तो ए का मान क्या आया है, समांतर माध्य ए, ए का मान क्या आया है, वर्गमूल दो आया है। अब देखिए कि कौन सा ऑप्शन में आपका वर्गमूल दो दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ब आपका सही जवाब हो जाएगा, इसलिए मैं इग्नोर करता हूं ऑप्शन को। पहले हमें ऑप्शन पर बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि यह क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि एक ही नंबर के लिए पूछेगा, तो हमें ऑप्शन को करना है इग्नोर, क्वेश्चन को करना है सॉल्व, और देखना है कि हमारा जो उत्तर आया है उस ऑप्शन में कौन से नंबर पर ठीक बैठता है। ठीक है, तो यह हमारा हो गया उत्तर, प्रश्न क्रमांक तीन को भी हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया। आ जाओ अब हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक चार पर, और यह पूछ लिया गया है निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य, लो बताओ। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा ही नहीं, हमें एक श्रेणी दे दी गई है और सत्य या फिर असत्य पहचानने के लिए कहा गया है। ठीक है, कैसे, देखो यहां पर श्रेणी दी गई है 3, 8, 13 डेढ़ 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 करके 498 में पदों की संख्या 98 है, यानी कि यहां पर हमें अंतिम पद का मान दिया गया है 498, और जो 498 है वो 98 नंबर के पद में आएगा कि नहीं, ये हमें निकालना है, ये हमें सत्य या फिर असत्य बताना है। आ जाओ देखो, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहां पर मैंने लिखा हल। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर जो हमें श्रेणी दी गई है उसको मैं एक बार लिखना चाहूंगा, 3, 8, 13 और ये चलते जा रहा है, देखो अंतिम पद में हमें दिया गया 498, यहां पर हमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या चीजों का मान मिलता है, तो यहां यहां हमें प्रथम पद का मान मिल जाता है, यहां प्रथम पद ए बराबर, चलिए प्रथम पद ए बराबर हमें क्या मिलेगा, तो प्रथम पद ए बराबर हमें यहां पर दिख रहा है सर तीन है, क्या है, तीन है, बिल्कुल तीन दिख गया। अब हम यहां पर निकालते हैं सार्व अंतर का मान, सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू क्या निकलता है, द्वितीय पद ऋण प्रथम पद, तो द्वितीय पद यहां पर आपको दिख रहा है 8, उसमें आप प्रथम पद तो घटा दोगे, 3 को घटा दोगे, तो D इज इक्वल टू आपको मिल चुका 5, D इज इक्वल टू क्या मिल चुका, 5 मिल चुका, बिल्कुल सर। अंतिम पद का मान भी दिया गया है, अंतिम पद का मान भी दिया गया है, तो अंतिम पद, अंतिम पद को हम L से डिनोट करते हैं, L से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो L इज इक्वल टू हमें दिया गया 498, क्या दिया गया है 498 दिया गया, और पूछा यह गया है कि 498 जो है वो कौन से पद का नंबर है, अगर पदों का जो नंबर है वो 98 तो कथन सत्य हो जाएगा। यहां पर हमें पदों की संख्या निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, पदों की संख्या निकालना है, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है ना श्रेणी का एनवा पद वाला, उसी का हम यूज करने वाले हैं, अतः श्रेणी का, श्रेणी का अंतिम पद करके लिख लेते हैं इसको, श्रेणी का अंतिम पद, अंतिम पद बोल रहे या फिर एनवा पद बोल दे, सेम फॉर्मूला हम यहां पर यूज करते हैं, तो ए एन की जगह अब लिखा जाएगा एल, ये हो गया एल, एल इज इक्वल टू ए होता है ए प्लस एन माइनस वन डी होता है, सबकी वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे, सॉल्व कर देंगे उसको, आ जाओ बिल्कुल आ जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, देखो चलिए बताइए, एल का मान हमें दिया गया 498, तो यहां पर मैंने रखा 498 बराबर है तो बराबर, फिर क्या है ए का मान, ए का मान क्या दिख रहा है हमें, तीन दिख रहा है सर, तीन चिपका दो, चिपका दिया, प्लस है तो प्लस, फिर क्या है एन माइनस वन, तो एन माइनस वन, एन का मान क्या है, तो हमें एन का ही मान तो निकालना है, पदों की संख्या में ज्ञात करना है, तो एन माइनस वन ही लिखा जाएगा, डी, डी का मान हमने निकाला हुआ 5, तो यहां पर आ चुका 5। चलिए इसको हल करते हैं और एन का मान निकालते हैं, देखो तो मैं क्या करूंगा 498 में हम तीन को इधर ला लेते हैं या फिर इसको बाद में लाएंगे, पहले इसको लिख लेते हैं 498 बराबर 3 धन 5 का गुणा करूंगा मैं एन से, तो ये हो जाएगा 5n, फिर 5 का गुणा करेंगे ऋण 5 से, तो ये हो जाएगा ऋण 5, तो 498 बराबर, 498 बराबर क्या हो जाएगा, देखो
पांच में हम तीन घटा देंगे, पहले मैं पांच एन को काम कर लेता हूँ, पांच एन को पहले मैंने एज ए जूस लिख दिया, फिर पांच में हम तीन घटाएंगे हमें मिलेगा दो, पांच के सामने में ऋण का चिन्ह, तो यहां पर भी ऋण का चिन्ह लग जाएगा क्योंकि पांच क्या है, तीन से बड़ी संख्या है। बिल्कुल सर। अब ऋण दो को हम इधर ला लेते हैं तो ये हो जाएगा 498, धन दो हो जाएगा ऋण दो, धन दो में चेंज हो गया तो पांच एन बराबर, ठीक है। तो हमें देखो 498 हमें दो जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 500, क्या मिला 500 मिला बराबर, ये हो जाएगा 5n। हमें निकालना है n का मान, तो 5 जो है वो गुणा में वो भाग में जाएगा, तो 500 बटा में आ जाएगा ये 5। बिल्कुल आगे सर, यहां तक की कहानी क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो n इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 500 को जब हम 5 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 100, यानी कि पदों की संख्या यहां पर दी गई है 100, पदों की संख्या क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 100, और यहां पर बोला था कि 98, अतः दिया गया कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि पदों की संख्या क्या मिल रहा है हमें, 100 मिल रहा है और क्वेश्चन में दिया गया था 98, अतः दिया गया कथन असत्य है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इसी से संबंधित इसी फॉर्मेट में ही आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, बस आपको समांतर श्रेणी को चेंज कर देगा, और लेकिन सॉल्व करने का तरीका जो मैंने आपको अच्छे से बताया है उसी तरह से होने वाला है, और ये क्वेश्चन ज्यादातर चांसेस बनते हैं 2 नंबर के लिए पूछे जाते हैं, कितने 2 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। तो बच्चों आज की इस क्लास में हमने 4 प्रकार के क्वेश्चन पर बात कर लिया है, और ये 1 नंबर के लिए आए जरूरी नहीं है, 1 नंबर के लिए भी पूछ दिया जाता है, 4 नंबर के लिए सॉरी 2 नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है, तो जैसा पूछेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम जवाब देने वाले हैं, ठीक है भाई। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप क्या करेंगे, मैंने आज जो पढ़ाया हुआ है उसको अपने फेयर कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करना है, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना है, कमेंट करना है, और दोस्तों तक बिल्कुल शेयर करना है। चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।